हाँ जी, आजकल हम वर्क कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और उसका क्वेश्चन नंबर 38 ले रही हूँ। ये क्वेश्चन लेने का रीजन भी है क्योंकि इसमें एक पॉइंट आ रहा है डेटर्स का, बैड डेट्स का और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। ये पॉइंट आपको एडमिशन में भी चाहिए, डेथ में भी चाहिए, रिटायरमेंट में भी चाहिए और आपको ये पॉइंट पीएसआर में भी चाहिए। एक्चुअली इसमें तीन जनरल एंट्री बनती है और इसमें कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है क्योंकि मेरा जो कोशिश रहती है वो क्वेश्चन पिक करने की जिनमें कुछ ना कुछ ट्रिक्स आ जाती हैं। नॉर्मल क्वेश्चन तो आप कर ही लेते हैं, वो तो आप स्कूल में भी सीख रहे हैं, अपने कोचिंग सेंटर में भी सीख रहे हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 38 है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, डीके गोयल का। आशा, रीना एंड चाहत वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:2:1। ओल्ड रेशो तो आपका है 2:5, 2:5 एंड 1:5। ठीक है जी, आशा, रीना एंड चाहत, ठीक है जी, हमें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा क्योंकि गुडविल का पॉइंट आ रहा है। गुडविल का पॉइंट मैं पहले काफी बार सिखा चुकी हूँ, बट यहाँ जनरल एंट्री है तो आई एम डूइंग इट अगेन। और जो न्यू रेशियो बोल रहे हैं वो नीचे बोल रहे हैं दैट इज इक्वली, यानी आपको 1/3 बोला है। ठीक है जी, पहला काम हम ये करके रख लेते हैं जिससे कि हम गुडविल की एंट्री कर पाए। 5 3 15 6 और 3 5 15 5, तो 1/5 आ गया, ये सेक्रीफाइस कर 1/15 सॉरी आपका यहाँ पर आ गया 15 5 3 3 6, ये भी सेम है तो 1/15 ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है और यहाँ पर 15 5 3 15 5 3 15 सॉरी 3 और 3 5 15, तो 2/15 ये भाई साहब गेन कर रहे हैं, चाहत है ये गेन कर रही है। ठीक है जी, ये हमारी सिचुएशन है। हमें क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, हमें एक बैलेंस शीट गिवन है और नीचे बताया है कि आशा, रीना एंड चाहत डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,50,000 रुपीज। 1,50,000 में गुडविल वैल्यूएशन हुई है तो गुडविल से हम कंपनसेट करते हैं उस पार्टनर को जो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है जी, तो हमारे क्वेश्चन में जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो आशा एंड रीना है और चाहत इज गेनिंग, तो चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट जिसका गेन हो रहा है, अगर जिसने पहले नहीं किया है उनके लिए है ये। मैंने गुडविल पे तो मेरी बहुत वीडियोस बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं, टू रीना कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, अब हमें 1,50,000 की गुडविल दी है। ठीक है जी, उसका बोला है 2/15 पोर्शन हमारा चाहत को गेन हो रहा है, तो ठीक है 2/15 का मतलब 20,000 रुपीज आ गया और 1/15 अगर हम 50 का निकालते हैं तो 10,000 रुपीज आशा को मिलेंगे और 10,000 रुपीज हमारे किसको मिलेंगे, रीना को। ये तो हुई गुडविल की एंट्री। अब इस क्वेश्चन में आपको जनरल रिजर्व भी गिवन है और जनरल रिजर्व के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अदरवाइज एक इन्फॉर्मेशन होती है और उसके हिसाब से ट्रीट करना होता है। अगर देर इज नो इन्फॉर्मेशन तो जनरल रिजर्व का क्या करना है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, ऑल ओल्ड पार्टनर्स, आशा, रीना एंड चाहत, तीनों को हम देंगे क्योंकि पीएसआर में तीनों ही हमारे ओल्ड हैं। कौन से रेशो में देंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देंगे। ठीक है जी, तो हमारा जनरल रिजर्व है 2,00,000 रुपीज का और हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 2/5, तो 80,000 इसको मिले, 80,000 इसको मिले और 40,000 हमारे इसको मिल गए। ठीक है जी, ये हमारा जनरल रिजर्व का काम हो गया। कोई भी रीवैल्यूएशन प्रोसेस नहीं है क्योंकि रीवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जनरल एंट्री देखते हुए चलना है। इसके बाद बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 40,000 रुपीज की। देखिए जी, जब भी बैड डेट्स आ जाए तो बैड डेट्स पहले हमें राइट ऑफ करने पड़ते हैं। ठीक है, बैड डेट जब हम राइट ऑफ कर रहे हैं तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, ये हमारी राइट ऑफ की एंट्री हुई। ठीक है जी, 40,000 की हम पहले राइट ऑफ की एंट्री पास करेंगे क्योंकि हमें 40,000 के डेटर्स में से हमें पता चल गया दीज अमाउंट वी आर नॉट गोइंग टू रिकवर इन फ्यूचर, तो हमने राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी क्रिएटेड, उसको राइट ऑफ करने से पहले इन बैड डेट्स को हमें करना पड़ता है सेटल क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ था। प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट्स आपका बना हुआ था, और आप चेक कीजिए क्वेश्चन के अंदर कितना बना हुआ है, तो वो हमारा बना हुआ है 20,000 जो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट कर रहा है। हमारे पास 20,000 का तो प्रोविजन बना हुआ है, तो कुछ बैड डेट्स तो हमारे यहां से सेटल हो जाएंगे, टू बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है जी, अब हमारे पास 40,000 के बैड डेट्स हैं और हमारे पास 20,000 का प्रोविजन है, यानी 20,000 की जो डेफिशिएंसी पड़ रही है एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर कहां से लेंगे? किसी भी तरीके का लॉस या गेन होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से आपकी एंट्री जाती है। ठीक है जी, एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ डेथ। ठीक है जी, ये आपकी एंट्री होगी। हमने क्या किया, पहले बैड डेट्स को राइट ऑफ किया और फिर बैड डेट्स को सेटल किया। बैड डेट्स एक बार डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नलिफाई हो गया, अकाउंट क्लोज हो गया। 20,000 रुपए का प्रोविजन बना हुआ था, 20,000 का प्रोविजन वहां से रिकवर हुआ, रेस्ट अमाउंट की रिकवरी जो लॉस है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम करेंगे सेटल। ठीक है जी, अब आगे क्या कह रहे हैं कि फर्दर प्रोविजन भी आपको बनाना है 5%। अब और प्रोविजन अगर बनाना है तो हमारी एक एंट्री और आएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रिएट कर रहे हैं, लॉस है आपका तो लॉस में आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब प्रोविजन बनाते हुए एक बात ध्यान रखनी है, हमारे डेटर्स थे 2,60,000 रुपीज के। ठीक है जी, जिसमें से हमें पता है 40,000 रुपए तो हमें अब मिलने नहीं वाले, तो हमें मिलेंगे कितने, 2,20। जो हमारी रिकवरी अमाउंट है डेटर्स की उस पे आप 5% बनाते हैं तो आपका 11,000 का प्रोविजन बनता है जो आपको करना है क्रिएट। ये पॉइंट था इसके अंदर। ठीक है जी, ये पॉइंट के बाद आपका आपने क्रिएट कर लिया। अब हमारा रिवैल्यूएशन अगर आप ध्यान से देखें तो 20,000 यहाँ पे लॉस है, 11,000 यहाँ पे लॉस है, लेजर बनाने की जरूरत नहीं, हमें क्लियर है कि हमारी जो डेबिट वैल्यू है रिवैल्यूएशन की वो ज्यादा है, इट मींस लॉसेस ज्यादा है। लॉसेस ज्यादा है तो रिवैल्यूएशन के जो भी लॉसेज होते हैं वो सेटल होते हैं और वो ओल्ड पार्टनर से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होते हैं। तो वो कैसे होंगे हमारे लॉसेज सेटल, हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा टोटल 31,000 है, कौन बियर करेंगे, हमारे पार्टनर्स बियर करेंगे, और कौन से पार्टनर्स बियर करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स बियर करेंगे और सारे ही ओल्ड हैं। ठीक है जी, ये तीन आपके कैपिटल अकाउंट है, आप कैपिटल अकाउंट ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे मैंने लिख दिया है, मैंने एक ही बारी लिख दिया है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का जो हमारा लॉस है 31,000 रुपीज का, ऑल द पार्टनर्स विल बियर, तो आपका 31,000 को 2/5, 12,400 इसने किया शेयर, 12,400 इसने शेयर किया, $6,200 हमारा थर्ड पार्टी जो चाहत थी उससे लॉस सेटल हुआ। तो ये जर्नल एंट्रीज आपको करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, ज्यादा काम नहीं है इस क्वेश्चन में बट हाँ काम है। इसके साथ साथ मैं क्वेश्चन नंबर एक बार 39 में डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड है, बस एक बार मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अमन बॉबी एंड चांदनी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1 ऑन April 1st दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब वही चीज है, आपको इसी तरीके से गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज रिजल्टेड इन ए लॉस ऑफ 5,000। यहां पर अगर आप ध्यान दो 31,000 का लॉस हमारा निकल के आया था हमारी जर्नल एंट्री से, इस वाले क्वेश्चन में 5,000 का लॉस डायरेक्टली गिवन है, तो इसी तरीके से होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 5,000 से आप करेंगे एंट्री। एक एंट्री बनी है, गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द रिकंस्टिट्यूशन वाज वैल्यूड एट 1,20,000। गुडविल की एंट्री बिल्कुल ऐसी ही होगी, बस अमाउंट आपकी चेंज है और आपका रेशियो डिफरेंट आएगा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, बिल्कुल ये एंट्री आपको गुडविल की करनी है। इसके अलावा द फर्म हैज अ बैलेंस ऑफ 20,000 जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व की भी एंट्री मैंने इस क्वेश्चन में सिखा दी। तो इसी क्वेश्चन से तीन एंट्रीज पिक हो रही है, तो इस क्वेश्चन को साथ के साथ कर लीजिएगा, मैंने स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया है और आपको ये काम आएगा। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू और काइंडली प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सब करें, सबकी मदद हो, ऑल द बेस्ट।